नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पवन कुमार त्रिपाठी आप सभी लोग का टीचिंग एग्जाम्स बाय रिजल्ट गुरु में आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, राम श्याम। बेटा एक्चुअली आज क्या है, आज किसी कारणवश ये क्लास, चूँकि फैकल्टीज जानते हो कि बहुत मौसम चेंज हो रहा है, जिस वजह से काफ़ी सारी फैकल्टी तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से क्लास आप लोग की नहीं हो पाई। फिलहाल मैं ये क्लास कंटिन्यू करूँगा और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग, अरे आप सभी लोग जितना हो सके इस क्लास को जितना हो सके बेटा शेयर करिए। चलिए तो आइए बेटा शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और पहला प्रश्न आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? कर दो, आपके ऑप्शन हैं चीन, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। चीन, जर्मनी, यूएसए, ब्रिटेन और कनाडा। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। चीन, कनाडा, फ्रांस, यूएसए और बताओ। चलो मुझे उत्तर चाहिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चीन, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए, ये बेटा आपके जो है मेंबर है किसके बेटा, तो हमारे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थाई, 5 स्थाई और 10 अस्थाई मेंबर होते हैं, 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। ठीक, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945, नोट कर लो जल्दी से, 24 स्थापना, टैबलिश, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। चलो जल्दी से फटाफट, गुड मॉर्निंग। बाकी लोग कहाँ हैं भाई, बाकी लोग कहाँ हैं फिर लिखो, हाँ फिर लिखो, भारत, भारत आठवीं बार 2021-22 का, आठवीं बार सुरक्षा परिषद का, सुरक्षा परिषद का नमस्कार दोस्तों, सभी बेटा आ जाइए, थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से, क्योंकि अब नेट इशू तो होता ही है। चलिए तो अब बेटा आ जाते हैं और अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जो नेटवर्क इशू हुआ था अब वो सॉल्व कर दिया है हमारे सर लोगों ने। अब बेटा क्लास नहीं चल रहा है, क्या करूँगा बेटा, अब क्लास चल रहा है चूँकि नेटवर्क इशू हो गया था बीच में, इधर नेट इशू है सर। हाँ बेटा यहाँ भी नेट इशू चल रहा है, उधर नहीं इधर भी, यहाँ पे आज नेट इशू हो गया है। चलो आइए, तो बेटा इस पूछा था मैंने निम्न में से कौन सा पेयर सही नहीं है, राजस्थान नरोरा, कौन सा था बताओ बेटा, कौन सा पेयर सही नहीं है, जल्दी उतर दो, कौन सा पेयर सही नहीं है।
चलिए राजस्थान। अरे ये वाला बेटा सही नहीं है, क्यों? क्योंकि राजस्थान का कौन सा है, नोट कर लीजिए, राजस्थान में कौन सा पेयर है, जल्दी उत्तर दो। ओके चलिए आ जाओ, राजस्थान में रावत भाटा, राजस्थान रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है ओके, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ लगा था बताइए, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर बताइए, तो विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कौन से देश में लगा था, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर। सर रीजनिंग क्यों नहीं चला था बेटा, आज किसी कारणवश को क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी और इस समय जो है मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, तो बहुत सी फैकल्टीज़ को बेटा बुखार हो चुका है, तो इस वजह से कुछ क्लासेस मॉर्निंग में नहीं चल पाई थी। तबीयत ख़राब हम लोग की भी है, लेकिन हाँ अभी हमारी उतनी नहीं है कि हम क्लास अभी इतनी एक क्लास ले सकते हैं, तो ठीक है चलिए। हाँ बेटा कहाँ पर है, तो रूस में है। ठीक है बेटा कहाँ बेटा, तो रूस में है। चलिए हुआ था सदीर, किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है सदीर, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है सदीर, भरतनाट्यम का बेटा, तो भरतनाट्यम का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, भरत जो है भरत शरीर तमिलनाडु का शरीर, किस शरीर का प्रचलन भरतनाट्यम का, और यह बेटा तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है चलिए हिंदी चलेगा, हिंदी आज चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया, कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया, सही नहीं बनाया गया, कौन सा जोड़ा बताइए, कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया, उत्तर दो। कौन सा पेयर सही नहीं बनाया गया है, हरभजन सिंह दिख ही रहा है दूर से, इनका संबंध किससे है क्रिकेट, हरभजन सिंह का उपनाम क्या है, उपनाम द टर्मिनेटर, द टर्मिनेटर नोट करो। चलिए संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी किस खेल से, उत्तर दो, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बहुत बढ़िया। फुटबॉल से, इसके अलावा आशुतोष मुखर्जी का आशुतोष मुखर्जी कप और सुब्रतो राय कप, लिखो जल्दी से,
सुब्रतो सर मैं जाऊं क्या, कहाँ जाना है बताओ? संदीप क्या हुआ? सुब्रतो मुखर्जी कब लिखो, कहाँ जाना है तुमको? सुब्रतो मुखर्जी कब कहाँ जाना है बताओ भाई? संदीप बेटा कहाँ जाना चाहते हो बताओ? डूरंड कप लिखो जल्दी से, डूरंड कप। कर लो जल्दी से, यहाँ तक की बात हो सर। वर्ल्ड एंड, हाँ बेटा होती है, होती है। हाँ बेटा तो ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ। GI टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था? हेलो, दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को 2004 में अल्फांसो आम महाराष्ट्र, ठीक है, अल्फांसो आम महाराष्ट्र में, इसको 2018 में GI टैग, 18 में। मगही पान बिहार 2018 में, फटाफट जल्दी से जी। बहुत बढ़िया। कौन सा पेयर सही नहीं है, कौन सा पेयर सही नहीं है बताइए, कौन सा पेयर सही नहीं है? कौन लोग नाराज हैं तुमसे, कौन लोग नाराज हैं बताओ? कौन नाराज है बताओ? बेटा हरभजन सिंह द वॉल नहीं है, इनका संबंध, इन्हें कहते हैं द टर्मिनेटर। द वॉल से किसको जाना जाता है तो राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़, चलिए अब जो नाराज उसको नाराज रहने दो। चलिए, पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है कौन? ओहो भैया, इशारों इशारों में बात हो रही है आज तो। चलो बताओ, पीटी उषा, हिमा दास। बेटा ये असम की हैं, ये इन्हें ढिंग एक्सप्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे सोमपेन जनजाति पाई जाती है, कहाँ पर सोमपेन जनजाति पाई जाती है बताओ? कहाँ पर सोमपेन जनजाति पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। और यहाँ पे सेंटिनली, जारवा और कौन सी बताओ जल्दी से? ओंगे सर मैं जा रहा हूँ। ओके जाओ बेटा जाओ, ओंगे ओंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक कौन है? पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक कौन है बताइए?
सतीश वर्मा, चलिए मिलाइए सूची एक को सूची दो से मिलाओ जल्दी से, सूची एक को सूची दो से मिलाइए फटाफट। गुड मॉर्निंग बेटा, मैम की तबीयत सही नहीं आज। चलो आइए, एक दो तीन चार, ठीक है। यहाँ प्रधान बेटा 26 जनवरी को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस, सीमा शुल्क उत्पाद दिवस भी मनाया जाता है। और 30 जनवरी बेटा कुष्ठ निवारण दिवस, नोट कर लो कुष्ठ निवारण दिवस जल्दी से। चितावस्थल गुफा कहाँ पर स्थित है, चितावसन गुफाएं कहाँ पर स्थित है, जल्दी उत्तर दो। सर क्या सुपर टैट के लिए है? बिल्कुल प्रियंका जी, ये सुपर टैट के लिए भी है। देखो भाई जीएस सब में एक ही आती है, वो उसमें आप कोई अलग से कोई डिफाइन कर दो अलग बात है, जीएस सबका एक ही है। हाँ चलो, चितावसन बेटा इसका मतलब क्या होता है? जैन सिद्धों का निवास स्थान, और ये कहाँ बेटा? तो तमिलनाडु, जैन धर्म। चलिए चलिए कहाँ पे, बिल्कुल चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? देखो क्या बातें हो रही हैं, क्या मजा आ रहा है। अच्छा आपसे कोई पूछे आरबीआई के प्रथम गवर्नर, तो सर ये है, ये है आरबीआई के प्रथम गवर्नर, यहां पूछा है प्रथम भारतीय गवर्नर तो कौन थे? सर सीडी देशमुख। कौन है? सर सीडी देशमुख जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासा का डीप इंपैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया? हेलीकॉमेट, हेल्प बॉप, हयाकुतेक टेम्पल वन, बताओ कौन सा? चलिए कौन सा बताओ? टेम्पल वन। चलिए कौन सा पेयर सही नहीं है बताओ, कौन सा पेयर सही नहीं है? कुछ काम है बाद में, क्या बात है, हमारी क्लास में कितना मज़ा हो रहा है देख रहे हो, सब लगे पड़े हैं आपस में, इतना तो हमको यकीन है कि इतना विद्यार्थी लगे होंगे। खैर चलो अच्छी बात है। चलो हाँ देखो बेटा, ये इसकी बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग इनका संबंध किससे है? तो ये बेटा विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, और श्वेत क्रांति का संबंध वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांच विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन से देश शामिल हैं बताइए? ब्रिक्स में कौन से देश शामिल हैं?
ठीक है, 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। चलिए मिलाओ, कौन सा पेयर सही है, मिलाइए कौन सा पेयर सही है। सेशन को शेयर करो, बताइए कौन सा पेयर सही है। चलिए देख लो, 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2, फटाफट से चलो शेयर कर दो। बंधुआ मजदूरी कब लागू की गई, बंधुआ मजदूरी कब लागू की गई बताओ। चलो 1976 में, कौन सा पेयर सही नहीं है, कौन सा पेयर सही नहीं है। देखते मालूम पड़ रहा है पहला वाला, क्यों, क्योंकि रावत भाटा ये राजस्थान में है, राजस्थान। गुजरात में कौन सा है, काकरा पारा, परमाणु संयंत्र, ठीक है नोट कर लो, काकरा पारा परमाणु संयंत्र। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है बताओ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेडक्वार्टर द हेग, नीदरलैंड, ठीक है कितनी बता दो, 15। कार्यकाल, कार्यकाल 9 वर्ष, चलिए कार्यकाल 9 वर्ष। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कृतिका कश्यप, गुड मॉर्निंग जैतून फातिमा, गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग। चलिए कौन से भारतीय खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है, कौन से भारतीय खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है, उत्तर दो जल्दी से। कौन से भारतीय खिलाड़ी, चलो आइए रूप सिंह के नाम पर, यह बेटा मेजर ध्यानचंद के भाई थे। चंद्र के भाई, मेजर ध्यानचंद के भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा पेयर सही नहीं है बताओ, कौन सा पेयर सही नहीं है। कौन सा पेयर सही नहीं है, चलिए हैरी पॉटर कौन सा बेटा, रॉबर्ट्स ये ना कि रॉबर्ट डाउनी, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी का मुख्यालय भारतीय, चलो ये तो दोनों भाई झगड़ा लगाने वाली बात हो गई, आप क्या करें भाई, अब हो गई तो हो गई। चलिए चलो
अब भैया हो गई तो हो गई। स्थापना बाईस अक्टूबर 2003 कहाँ बेटा? तो चेन्नई। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं बताओ? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। और उसके बाद राष्ट्रीय, अरे उपभोक्ता अधिकार दिवस बताओ जल्दी से। चलिए 15 मार्च, लेकिन मैंने आपसे पूछा राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 22 मई, 24 दिसंबर, 24 दिसंबर। चलो कोई नहीं, गलत हो रहा है नोट करते रहो, आगे कभी गलत नहीं होगा, ध्यान रखना, आराम से पढ़ो। डी दिवस वह दिन है जब जर्मनी ने ब्रिटेन के साथ युद्ध छेड़ा था, यूएसए ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम छोड़ा था, मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी थीं, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, बताइए। थैंक यू बेटा। चलो मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी थी। चलिए गुंडेचा बंधु का संबंध किस राज्य घान से? गुंडेचा बंधु का संबंध किस, हाँ बेटा पूछो। पूछो बेटा। चागरी घराने से। चलिए गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता है? गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता है? वास्तुकला का नोबल, वास्तु कला का नोबल। लॉरी बेकर वास्तुकला का नोबल, प्रित्गर पुरस्कार। नोट कर लो, प्रित्गर पुरस्कार। चलिए एक एक बातों को नोट करो। हाँ मजा तभी है, पवन सर पढ़ा रहे हैं, इसका मजा तभी है जब बेटा आप चीज़ों को नोट करेंगे। अगर आप चीज़ों को नोट कर रहे हैं तभी फायदा है, अदरवाइज मेरी क्लास लें कोई फायदा नहीं है। चलो किस शब्द का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति बनाने के प्रयोग में नहीं होता है बताइए? चलो सीधी बात बेटा, ब्लू चिप। बताओ बनाओ कौन सा पेयर सही है, कौन सा पेयर सही है? सेशन को शेयर कर दो और बता दो कौन सा पेयर सही है। चलो चलो 4-2-1-3
4213, कौन सा कथन असत्य है बताओ। पोलो पहले ईरान में खेला था लेकिन आधुनिक उसका भारत में, बताओ पोलो के बाद कौन सी बात सही है। पोलो कोई भी नहीं, बिल्कुल। अरे सारी की सारी बातें सही हैं, बिल्कुल। चलो दिव्या त्रिपाठी, बिल्कुल। 1859 में असम के सिलचर में पोलो क्लब की स्थापना की थी। चलो 1859 में, 18 अरे 1859 में, पैन बहुत पतला चल रहा है। 59 में चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में पारंपरिक रूप से प्रदर्शित किया जाने वाला जौबरी नृत्य किनके द्वारा नृत्य रूप है। जौबनी, चलिए दिमास। देखो ये सारे प्रश्न अच्छे प्रश्न हैं, दिमास जनजाति द्वारा, अब जो करेगा फायदा उसको होगा। न्यूजीलैंड के निवासियों को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड के, फिर सब गायब सर, कोई दिक्कत नहीं बेटा, गायब होने दो, हमको दिक्कत नहीं हो रही है, तुम लोग कहाँ सोच रहे हो, जो गायब होना होने दो, इतना नहीं सोचना बेटा। कीवीज, जो जा रहे हैं तुम ये सोच रहे हो कि सब बैठ के पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होता, कुछ आते हैं कुछ जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ये क्रम चलता रहता है। कौन सा कथन सत्य है बताओ, कौन सा कथन सत्य है। ये मत सोचो कितने लोग आए, बस ये हो कितने लोग सही हैं बताओ। कन्फ्यूशियस पीस प्राइज की स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी, इसे चीन का नोबल शांति पुरस्कार कहते हैं, बताइए। बिल्कुल सही बेटा, दोनों बातें सही हैं, एक और दो दोनों बातें ही सही हैं, ठीक है। चलिए मिलाओ, कौन सा पेयर सही नहीं है, कौन सा पेयर सही नहीं है, कौन सा पेयर सही नहीं है। चलिए सीधी बात है, बिहू असम का है, सही बात, बिहू असम का है, घूमर राजस्थान का है, भांगड़ा नहीं है, लावनी सीधी बात है, केरल। ठीक है चलो यहाँ तक की बातों को नोट कर लो सभी लोग। जी इसका सी होगा, चलो बहुत बढ़िया, इसका सी होगा ये आप बताए, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कहाँ हुआ था। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया नरेश राज, माँ का लाडला बताओ। जी चलिए बेंगलुरु में, अच्छा मेट्रो मैन ऑफ इंडिया ई
धरन, ई श्री धरन को, चलिए नोट कर लो फटाफट। चलो, भारत में पहली मेट्रो 1984 में कोलकाता में, ठीक है, 22 अक्टूबर 1984 कलकत्ता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के लोगों में कौन से पेड़ का चित्र है, आरबीआई के लोगों में कौन से पेड़ का चित्र है, आरबीआई के लोगों में कौन से पेड़ का चित्र है बताइए, आरबीआई के लोगों में कौन से पेड़ का चित्र है, ताड़ के वृक्ष का, ताड़ के वृक्ष का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, हाँ, वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है, वर्तमान भारत में, जल्दी से, चलिए, वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है बताओ, आ जाओ, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही गिर रही हैं। चलिए, बांध और नदियों का मेल कराइए, बांध और नदियों का मेल कराओ जल्दी से, चलिए, 3 4 2 1, चलो आराम से, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड बताओ, हदास पार्टी कहाँ से है, बताइए, हदास पार्टी का संबंध किससे है, चलो इजराइल से है, चलिए भारत में फेडरेशन कप का संबंध किससे है, भारत में फेडरेशन कप का संबंध किससे है, भारत में गुड मॉर्निंग, चलो फेडरेशन कप फुटबॉल से,
विश्व वन जीव कोष, विश्व वन जीव कोष बताइए, विश्व वन जीव कोष का प्रतीक ध्रुवी भालू, सफेद लाल पांडा। अब पहले तो विश्व वन जीव कोष की जब बात करते हैं, स्थापना हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन को बेटा सभी लोग शेयर कर दो फटाफट से। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत द्वारा विकसित किस ICBM की मार्ग क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है? ICBM, अब बताओ जल्दी से। अग्नि 2 पूर्णता अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम क्या है? मेस, स्टार, ट्री और रिंग, बताओ जल्दी से। उसका आंसर दिया तो बेटा लाल पांडा। बताओ पूर्णता, ओके बेटा दे दीजिए पूर्णता। चलिए ए मेष, ओहो चलिए B-29 बम वर्षक विमान का नाम क्या था जिससे फैट मैन को नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था? बताइए। चलिए तो बेटा बोक्स कार, और ये जो था एलिन एनिला गे, यह 6 अगस्त 1945 से 8 बॉय। चलिए कृतिका कश्यप कह रही हैं सर आपने टी शर्ट भी चेंज कर लिया, ये रिकॉर्डेड। हाँ बेटा उसमें कुछ थोड़ा सा गिर गया था, तो थोड़ा सा अजीब सी वो चिप सा रहा था, अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो मुझे चेंज करना पड़ गया। डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलो चिकित्सक दिवस, क्यों? क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था, डॉक्टर विधान चंद्र राय का बेटा जो जन्म हुआ था, यह बेटा हुआ था कब? देखो इनका बेटा जो जन्म हुआ था 1 जुलाई, ठीक है, जन्म 1 जुलाई 1882 वेस्ट बंगाल के दूसरे सीएम, पहली बात। उसके बाद देखो हाँ बंगाल के इन्हें बंगाल के आर्किटेक्ट भी कहा जाता है, इन्हें बेटा बंगाल का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी? बताइए, तुम लोग कितना नोट करते हो चीज़ों को ना। चलो खैर कोई नहीं, अच्छी बात है, सेशन को शेयर कर दो।
चलिए, पारसी समुदाय ने 1846 में ओरिएंटल क्लब की स्थापना और पारसी क्लब की स्थापना नोट कर लो, यहाँ तक की बातों को। चलो चलिए सर, सिख होगा शायद, नहीं बेटा कंफर्म है। चलो और हाँ, क्रिकेट का जनक किसे कहते हैं? क्रिकेट का जनक, क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है बताओ, क्रिकेट का जनक किसे कहता है? डब्ल्यू जी ग्रेस। डब्ल्यू जी ग्रेस ये इंग्लैंड के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? बताओ, 1999 में। किस देश ने उसके स्वतंत्रता युद्ध में योगदान के लिए स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को राज्य का उच्चतम सम्मान अर्पित किया था? निम्न में से किस देश ने उसके स्वतंत्रता युद्ध में योगदान के लिए स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को राज्य का उच्चतम सम्मान अर्पित किया था बताइए। सबको बता बेटा, तो बांग्लादेश ने। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड किसे कहा जाता है? हॉलीवुड, हॉलीवुड किसे कहा जाता है बताइए। हॉलीवुड, शेन वॉर्न। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च माह में नहीं मनाया जाता है? ये ध्यान रखना, नहीं मनाया जाता है। चलो तो पहले पता हो जाए कौन सा मनाते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो बीच में बहुत चला था, अभी तो गया है, 8 मार्च, 5 जून, 15 मार्च और 21 मार्च। बचा क्या बेटा फिर, बचा क्या? तो विश्व पर्यावरण दिवस ये नहीं मनाता बेटा, बाकी सब मनाते हैं। ठीक है, चलो बातें क्लियर हैं, बातें यहाँ तक क्लियर हैं। देखो कैसे कैसे हमारे विद्यार्थी हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका ध्येय वाक्य है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका ध्येय वाक्य है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ऑल इंडिया रेडियो का हेडक्वार्टर नई दिल्ली। चलिए, हेडक्वार्टर
नई दिल्ली। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है बताओ? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पुराना नाम हैली नेशनल पार्क, स्थापना 1936 में। चलिए नहीं बेटा उसका गलत है, हमको पता था वही बोलोगे। और हाँ, देश का प्रथम नेशनल पार्क, देश का प्रथम नेशनल पार्क। चलिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा सबसे पहले स्थापित हुआ था बताइए? कौन सा सबसे पहले स्थापित हुआ था? चलो पहले तो दिल्ली 61 में, मुंबई 58 में, कानपुर 1959 में, खड़गपुर 1951 में, तो कौन सा आया बेटा? तो आईआईटी खड़गपुर। चलिए आईआईटी खड़गपुर। चलिए आगे, चलो आज का अंतिम क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? अप्सरा देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर है जिसे वर्ष 1956 में पार्क ने चालू किया था, इसमें प्रयुक्त ईंधन परिष्कृत यूरेनियम एल्यूमिनियम मिश्र धातु ब्रिटेन से प्राप्त किया गया था बताओ कौन सा सही है? ये आज का अंतिम क्वेश्चन है बताओ। चलिए एक और दो दोनों। चलिए तो कल बेटा आप लोग की जो क्लास होगी और बाकी हम लोग कल अब बात करेंगे, कल आप लोग की क्लास अगर सभी लोग सही रहे तो हम लोग प्रॉपर जो क्लास चलती है वो क्लास कल आप लोग की चलेगी। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।